आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के एक ऐसे फनकार से करवाने जा रहे हैं कि जो अपने मिसाल आप हैं। पाकिस्तान में कॉमेडी की या पूरी दुनिया में कॉमेडी की जब भी बात होगी तो एक नाम ऐसा है कि जिसे हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते, और वो हैं हसन अब्बास। आज हमारे साथ हसन अब्बास साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर। जानिया डोलना तुम सिख का दे दुख सुख फोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा टोलना वे। हसन अब्बास ने 40 साल तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। इन्हें उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान, राहत फ़तेह अली ख़ान, शान अमानुल्लाह और भारतीय फ़नकारों के साथ काम करने का एजाज़ हासिल है। हसन अब्बास ने बड़े गुलूकारों के गाने मुनफरद अंदाज में पेश करके दास समेटी है। होंठों पे आई मेरी जान दुहाई हाय लंबी जुदाई, चार दिन प्यार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। हसन अब्बास का हीर का किरदार बड़ा मशहूर हुआ। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इनके इस किरदार की फरमाइश की गई। हीरे तन मेरे ते शक कदों पिया सी, शक तो उस दिन पै गया सी जो तू प्यार ली मंजिल भी जाना सी, ते उदे यकीन आ गया सी तू रांझा नहीं म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन है। हसन अब्बास ने कॉमेडी में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। सरहद पार भी बड़े बड़े नाम इनके पुरसितार हैं। आप अपने फैमिली के साथ, आप माँ बहन, अपने बेटी या अपने वाइफ के साथ बैठ के, अपने बुजुर्गों के साथ बैठ के अगर आप कॉमेडी वर्ड सुनना चाहते हैं जहाँ आपको थोड़ी सी भी शर्मिंदगी ना हो, तो मुझे एक ही नाम आज के दौर में नजर आता है, वो है जनाब हसन अब्बास साहब। दो साल पहले एक हादसे और बाद में कोरोना की सूरत हाल ने इन्हें शोबिस की जिंदगी से दूर कर दिया। ताहम खुददार तबीयत के मालिक हसन अब्बास ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। हसन अब्बास ऐसे बेशुमार ऐसे हमारे फनकार मौजूद हैं जो कि हमारी तवज्जो के मुंतजर हैं, और हमें भी चाहिए कि हम अपने जो ये सर के ताज हैं जो कि हमारा असासा है, इन्हें कभी भी अपनी जिंदगी में से निगलेक्ट न करें। कैमरामैन असद अली के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी पॉलिटिक्स।